हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सो रूट्स का मतलब होता है रास्ता, वेज या फिर पाथ। सो रूट्स ऑफ ड्रग, ड्रग का क्या मतलब है? ड्रग इज फार्मास्यूटिकल ड्रग, जिसको मेडिसिन या फिर मेडिकेशन भी बोलते हैं, जो कि डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ डिसीज के लिए यूज होता है। सो फार्मास्यूटिकल ड्रग, मेडिसिन या फिर मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है हमारी बॉडी में एंटर करवाना या फिर अप्लाई करना। सो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि कौन कौन से रूट्स, वेज या फिर पाथ्स अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू हम फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करवाते हैं या फिर एंटर करवाते हैं। सो अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? रूट का मतलब है पाथ, वे या फिर रास्ता, बाय विच या फिर थ्रू विच अ ड्रग, ड्रग क्या है हमारा, फार्मास्यूटिकल ड्रग, मेडिसिन या फिर मेडिकेशन, इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद द बॉडी। जिस रूट के थ्रू, जिस पाथ के थ्रू हम फार्मास्यूटिकल ड्रग को अपनी बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, या फिर बाय विच अ ड्रग इज टेकन बाय द बॉडी। सो बेसिकली रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि कौन कौन से वेज या फिर पाथ अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू हम फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को अपनी बॉडी में एंटर करवाते हैं। सो जो ड्रग है वो लोकेशन पर डिपेंड करता है कि वो हमारी बॉडी में लोकली एक्ट करेगा या सिस्टमेटिकली एक्ट करेगा। सो लोकेशन कहाँ पर जाकर, वो किस एरिया पर जाकर एक्ट करेगा और किस एरिया के थ्रू वो हमारी बॉडी में एंटर होगा। सो लोकेशन के बेसिस पर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू में डिवाइडेड है। एक है हमारा लोकल रूट एंड ऑन द अदर हैंड इज सिस्टमिक रूट। सो लोकल रूट का मतलब होता है जब भी कोई भी ड्रग, कोई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग लोकली एक्ट करता है। सो लोकली मींस कोई लोकल एरिया पर एक्ट करेगा और अपना लोकलाइज इफेक्ट शो करेगा। सिस्टमिक रूट का मतलब होता है कि हमारे पूरे सिस्टम में जब ड्रग डिसॉल्व होता है, हमारे पूरे जनरल सर्कुलेशन में, हमारी पूरी बॉडी को जब ड्रग इफेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं सिस्टमिक रूट। सो हम फर्स्ट बात करेंगे लोकल रूट की। सो लोकल रूट में ड्रग लोकली एक्ट करेगा, एक लोकल एरिया पर अपना लोकलाइज इफेक्ट शो करेगा। सो इसमें जो फर्स्ट आता है वो आता है टॉपिकल रूट। टॉपिकल का मतलब होता है जब भी कोई ड्रग हम अपने स्किन सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल सरफेस या फिर स्किन के टॉप पर अप्लाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं टॉपिकल रूट। इसका एग्जाम्पल है हम क्रीम्स अप्लाई करते हैं, ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं। सो ये सारे टॉपिकल रूट के अंदर आते हैं क्योंकि हमने अपने स्किन के सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसका एग्जाम्पल है लिग्नोकेन जेल। सो लिग्नोकेन जेल दो इफेक्ट शो करती है, एक है एनाल्जेसिक इफेक्ट और एक है एनेस्थेटिक इफेक्ट, लेकिन ये दोनों इफेक्ट लोकली शो करती है। सपोज मेरे हैंड पर अगर कोई वुंड है या बर्न है तो मैं लिग्नोकेन जेल यूज कर रही हूँ। लिग्नोकेन जेल मैं लोकली यूज करूंगी क्योंकि उस लोकल हैंड पर वो लोकल इफेक्ट शो करेगी। सपोज हैंड पर अगर प्रॉब्लम है तो लिग्नोकेन जेल मैं हैंड पर अप्लाई करूंगी, जो कि हैंड पर ही सिर्फ एनाल्जेसिक, पेन किलर इफेक्ट और एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करेगा, ओनली हैंड पर ही। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टॉपिकल रूट, दैट इज लिग्नोकेन जेल। नाउ टॉपिकल रूट की एडवांटेज ये है कि ये पेनलेस वे है, इसमें कोई भी पेन नहीं होता है अप्लाई करने पे। नॉन इन्वेसिव वे है, नॉन इन्वेसिव, हमें अंदर कुछ इंसर्ट नहीं करना, ऊपर ही टॉपिकली अप्लाई करना है। कन्वीनियंट वे है, इजिली अप्लाई हो जाता है, किसी हमें एक्सटर्नल पर्सन या फिर एक्सटर्नल इक्विपमेंट की नीड नहीं है टॉपिकल रूट में। इसके डिसएडवांटेज ये है कि समटाइम्स के अनकंफर्टेबल हो सकता है क्योंकि ये ऑयली पेस्ट की तरह हमारी टॉपिकल सरफेस पर, हमारे स्किन पर रह जाता है। सो अनकंफर्टेबल हो सकता है। सेकेंड डिसएडवांटेज इसकी ये है कि कई बार हमारी स्किन जो ड्रग्स के लिए हाइपर सेंसिटिविटी शो कर देती है, एलर्जी शो कर देती है। अदरवाइज टॉपिकल रूट इज द मोस्ट जो कॉमनली रूट यूज होता है टॉपिकली जितने भी ड्रग्स अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये मोस्ट कन्वीनियंट वे है। नेक्स्ट हमारा आता है इनहेलेशन या फिर नेजल रूट। सो इनहेलेशन या फिर नेजल रूट जो है ये लोकल रूट भी है और सिस्टमिक रूट भी है। फर्स्ट ये लोकली इफेक्ट शो करता है एंड देन ये हमारे सिस्टम में भी इफेक्ट शो करता है, सिस्टम में भी डिसॉल्व होता है। कोई भी अगर हम लोकली रूट पढ़ रहे हैं, सो लोकल रूट फर्स्ट लोकली इफेक्ट शो करते हैं, देन हमारे सिस्टम में भी ये डिसॉल्व हो सकते हैं। सो अगर हम इनहेलेशन लोकली की बात करें, लोकल इनहेलेशन की, तो इनहेलेशन वो ड्रग्स होते हैं जो कि वॉलेटाइल ड्रग्स होते हैं या फिर गैशियस ड्रग्स होते हैं,
जो कि गैस के फॉर्म में या फिर एरोसोल के फॉर्म में हम इनहेल कर सकते हैं। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स हम नेबुलाइजर्स के थ्रू इनहेल करते हैं, इनहेलेशन ड्रग्स है, एंड ये डायरेक्टली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर इफेक्ट शो करते हैं। नोज से हम इनहेल करेंगे एंड लंग्स पर डायरेक्टली इफेक्ट शो करेंगे। सो इनहेलेशन की फर्स्ट एडवांटेज ये है कि क्विक एक्शन शो करते हैं, जिस एरिया पर टारगेट एरिया पर हमें इफेक्ट चाहिए वहां पर जाकर ही टारगेट करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में एक्ट नहीं करते। सो इनहेलेशन में मैंने ब्रोंकोडायलेटर्स का एग्जांपल दिया, तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक लंग्स पर ही इफेक्ट शो करेंगे, टारगेट एरिया पर एक्शन शो करेंगे, पूरी बॉडी में एक्शन नहीं शो करेंगे। सो सेकेंड इसका ये है कि मोस्ट इफेक्टिव है क्योंकि टारगेट एरिया पर जाकर ही इफेक्ट शो करते हैं। थर्ड कन्वीनियंट है, ये भी पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें कोई पेन नहीं होती। इसकी डिसएडवांटेज ये हो सकती है कि इनहेलेशन से जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं सो समटाइम्स ये सीवियर सिस्टमिक इफेक्ट शो करते हैं, सीवियर साइड इफेक्ट शो करते हैं, जो कि अगर ये सिस्टमिक रूट में डिसॉल्व हो जाता है तो। देन हमारा आता है नेजल रूट। सो नेजल भी लोकली एक्ट करता है जब हम नेजल डीकंजेस्टेंट लेते हैं। सो डीकंजेस्टेंट हमारे जो नेजल कंजेशन है उसको रिलीव करता है, तो लोकली एक्ट करता है। देन है हमारा रेक्टल या फिर वेजाइनल रूट। सो रेक्टल और वेजाइनल लोकल रूट भी है और सिस्टमिक रूट भी है। सो फर्स्ट हम बात करेंगे लोकल रूट की कर रहे हैं, तो रेक्टल और वेजाइनल लोकली कैसे एक्ट करता है। सो कोई भी ड्रग जब हम रेक्टम के थ्रू देते हैं तो उसको बोलते हैं रेक्टल रूट, वेजाइना के थ्रू देते हैं तो उसको बोलते हैं वेजाइनल रूट। अब रेक्टल रूट के थ्रू हम ड्रग क्यों देते हैं और कब देते हैं, सपोज अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है वो ओरली ड्रग नहीं ले सकता तो भी हम रेक्टम के थ्रू देते हैं। अगर पेशेंट को रिकरेंट वॉमिटिंग आ रही है, वो ओरली ड्रग को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, या फिर कुछ ड्रग जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा को ज्यादा इरिटेट करते हैं तो भी हम रेक्टली ड्रग देते हैं। सपोज बहुत ज्यादा छोटा बच्चा है, चिल्ड्रन है, तो भी हम रेक्टली ड्रग दे देते हैं। एंड बहुत ज्यादा ओल्ड है पर्सन, ओरली टॉलरेट नहीं कर सकता तो भी रेक्टली दे देते हैं। सर्जरी से पहले जब पेशेंट नील पर ओरल होता है, ओरली उसको कुछ नहीं लेना होता तो भी हम रेक्टली ड्रग्स देते हैं। सो रेक्टल जब हम रूट फॉलो करते हैं ड्रग को एडमिनिस्टर करवाने के लिए, तो वो रेक्टली ही ड्रग को ड्रग जो अपना इफेक्ट है वो रेक्टम में ही शो करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है लेक्सेटिव। सो लेक्सेटिव हम कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए देते हैं या फिर एनीमा, तो ये हम रेक्टली ही देते हैं। देन आता है वेजाइनल। सो वेजाइनल रूट के थ्रू हम वेजाइनल ड्रग्स देते हैं, वेजाइनल सपोजिटरीज देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, जेल्स देते हैं। सो टैबलेट्स एज सपोजिटरी, सपोजिटरीज के थ्रू भी हम टैबलेट्स देते हैं जो कि वेजाइना में जाकर मेल्ट हो जाती हैं। इसका एग्जांपल है एस्ट्रोजन। सो एस्ट्रोजन बेसिकली हम मेनोपॉज के सिम्टम्स को रिलीफ देने के लिए वेजाइनल सपोजिटरीज, वेजाइनल एस्ट्रोजन देते हैं जो कि हम वेजाइना के थ्रू देते हैं। नाउ रेक्टल या फिर वेजाइनल का डिसएडवांटेज ये है कि पेशेंट के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है एंड एम्बैरेसिंग हो सकता है एट द सेम टाइम। नेक्स्ट रूट हमारा आता है कंजक्टिवल रूट। सो कंजक्टिवल क्या है, कंजक्टिवा हमारे आईज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, टॉप म्यूकस मेम्ब्रेन, उस पर हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर करवाते हैं। कंजक्टिवा में हम ड्रग्स इसलिए एडमिनिस्टर करते हैं, अगर आईज की कोई भी प्रॉब्लम है तो हम आई ड्रॉप्स देते हैं। सो आई ड्रॉप्स हमारे आईज के कंजक्टिवा में अप्लाई होता है। कंजक्टिवल ड्रग की एडवांटेजेस ये है कि इजी है, इजीली टू एडमिनिस्टर, कन्वीनियंट है, किसी भी एक्सटर्नल इक्विपमेंट या फिर पर्सन की नीड नहीं है, प्लस आईज पर वो लोकली टारगेट इफेक्ट शो करेगी और अच्छा इफेक्ट शो करेगी क्योंकि वो उसी पर्टिकुलर एरिया पर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, आईज पर ही एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो आईज में क्विक एक्शन शो करेगी। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आईज भी जो आईज की म्यूकस मेम्ब्रेन है कंजक्टिवा, वो समटाइम्स हाइपर सेंसिटिविटी शो कर सकती है ड्रग के लिए। देन हमारा आता है ऑरिक्युलर रूट। सो ऑरिक्युलर रूट हम अपने ईयर में जब ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, सो ईयर ड्रॉप जब हम डालते हैं तो उस रूट को बोलते हैं ऑरिक्युलर रूट। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि अगर ईयर ड्रम में कोई रप्चर है या फिर ईयर ड्रम की सर्जरी है तो हम इस रूट को फॉलो नहीं कर सकते। अनदर रूट हमारा है सिस्टमिक रूट। सो सिस्टमिक रूट लोकल रूट से डिफरेंट है, लोकल रूट जस्ट लोकलाइज एरिया पर ही लोकल इफेक्ट शो करता है। सिस्टमिक रूट हमारे पूरे सिस्टम, हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है क्योंकि इसमें ड्रग हमारे पूरे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें डिजॉल्व हो जाती है और पूरे जनरल सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है। इसलिए सिस्टमिक रूट को सिस्टमिक रूट कहा जाता है क्योंकि ये पूरे सिस्टम को अफेक्ट करती है। नाउ सिस्टमिक रूट में फर्दर टू रूट्स आते हैं, एक आता है
है एंट्रल एंड दूसरा आता है पेरेंट्रल. सो एंट्रल रूट का मतलब है, एंट्रल का मतलब होता है इंटेस्टाइन. सो जो रूट, जो ड्रग इंटेस्टाइन से होते हुए पास होगी उस रूट को बोलते हैं एंट्रल रूट. सो इसमें आता है हमारा ओरल रूट. सो ओरल रूट में क्या होता है, जब हम ओनली ड्रग को स्वेलो करते हैं, कोई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग को जब हम ओनली स्वेलो करेंगे तो हमारे इंटेस्टाइन से पास होगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होके देन हमारे जनरल सर्कुलेशन में जाएगा. तो इसको बोलते हैं ओरल रूट या फिर एंट्रल रूट, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन से पास हुआ है. नाउ ओरल रूट ओल्डेस्ट मेथड है, ओल्डेस्ट रूट है जिसको हम फॉलो करते आए हैं ड्रग्स लेने के लिए. पेनलेस है, इससे कोई पेन नहीं होता एज कम्पेयर टू अदर रूट्स. पेरेंट्रल रूट में हम नीडल्स या फिर सिरिंजेस का यूज़ करते हैं, लेकिन ओरल रूट में हम ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करते जिससे पेन हो. सो कन्वीनियंट मेथड भी है ये. कन्वीनियंट इसलिए क्योंकि हम इजिली ओरली ड्रग्स ले लेते हैं, हमें किसी एक्सटर्नल पर्सन या फिर एक्सटर्नल इक्विपमेंट की नीड नहीं होती ओरली ड्रग्स लेने के लिए. सो ओरली जो हम ड्रग्स लेते हैं वो टैबलेट्स लेते हैं, कैप्सूल्स लेते हैं, सीरप्स या फिर सस्पेंशंस लेते हैं जिनको हम ओरली स्वेलो करते हैं. नाउ इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट इसके जो मेन डिसएडवांटेज है वो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. सो फर्स्ट पास इफेक्ट या फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सपोज हम ड्रग ले रहे हैं, सो ये हमारी इंटेस्टाइन है. सो इंटेस्टाइन से जब ड्रग पास हो रही है, सो इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से जब ड्रग एब्जॉर्ब होगी तो ये पोर्टल वेन के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू हमारे लीवर में चली जाती है. सो लीवर में जब ड्रग जाती है, सो लीवर क्या करता है, उस ड्रग को मेटाबोलाइज कर देता है और उसकी जो एफिकेसी है उसको कम कर देता है. तो जितना इफेक्टिव ड्रग होता है उसकी एफिकेसी उससे कम हो जाती है, जिसको बोलते हैं कि ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई है. अगर 100% ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी थी, 100% ड्रग ने अपना एफिकेसी शो करना था, तो वो 90% या 80% हो जाता है. सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसको बोलते हैं कि ड्रग जब हम ओरली स्वेलो करते हैं तो पहले वो हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके पोर्टल वेन के थ्रू हमारे लीवर में जाता है, जिसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू वो हमारे लीवर में जाकर मेटाबोलाइज होता है. लीवर उसकी एफिकेसी को या बायो अवेलेबिलिटी है जो ड्रग की उसको कम कर देता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. सो हम ओरली या फिर एंट्रली अगर कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर करवाते हैं सो उसकी फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फिर फर्स्ट पास इफेक्ट. सो लीवर से मेटाबोलाइज होने के बाद देन वो हमारे जनरल सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होता है. सो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है. सेकेंड डिसएडवांटेज है हम एमरजेंसी सिचुएशन, अगर एमरजेंसी सिचुएशन में हमें क्विक एक्शन करवाना है ड्रग का, सडन इफेक्ट शो करवाना है, तो हम ओरली नहीं दे सकते, क्योंकि ओरली जब हम ड्रग लेते हैं तो पहले तो वो इंटेस्टाइन में जाती है, देन लीवर में, देन हमारे जनरल सर्कुलेशन में जाती है, जिससे जो ड्रग का जो इफेक्ट है वो स्लो है, बट ड्रग का इफेक्ट प्रोलोंग भी होता है, ज़्यादा देर के लिए भी इफेक्ट शो होता है ड्रग का अगर हम ओरली लेते हैं. सो सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, ये स्लोली अपना इफेक्ट शो करता है, तो एमरजेंसी सिचुएशन में हम इस ड्रग को ओरल रूट के थ्रू नहीं दे सकते. देन हमारा थर्ड डिसएडवांटेज इसका ये आता है कि कई जो ड्रग्स होती हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, उनका टेस्ट टॉलरेबल नहीं होता, सो पेशेंट उनके टेस्ट को टॉलरेट नहीं कर पाता. फोर्थ डिसएडवांटेज इसकी है कि अगर कोई जीआईटी प्रॉब्लम है, जैसे कि वॉमिटिंग है, रिकरेंट वॉमिटिंग या फिर नोजिया हो रहा है पेशेंट को, तो भी हम ओरल रूट फॉलो नहीं कर सकते. देन एनेस्थीजिया, अगर एनेस्थीजिया दिया है पेशेंट को तो उसके बाद हम ओरल रूट फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है. नेक्स्ट डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशन इसकी ये है कि जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, कुछ ड्रग्स उस गैस्ट्रिक म्यूकोजा को बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, तो हम ओरली वो ड्रग्स नहीं दे सकते. प्लस कुछ ड्रग्स हमारे जो गैस्ट्रिक एसिड है वहाँ जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो ओरल रूट के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन ये इजी और कन्वीनियंट मेथड है, इसलिए हम ओरली प्रेफर करते हैं मोस्टली ड्रग्स को देना. नेक्स्ट रूट इज पेरेंट्रल रूट. सो पेरेंट्रल रूट भी सिस्टमिक रूट के अंदर ही आता है. एंट्रल रूट मीन्स इंटेस्टाइन से जब ड्रग पास होगा तो उसको बोलते हैं एंट्रल रूट, ये हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें ओरल रूट आता है. पेरेंट्रल रूट होगा, इस रूट में इंटेस्टाइन इन्वॉल्व नहीं होगी, इट मीन्स पेरेंट्रल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं आएगा. सो जो फर्स्ट पास इफेक्ट है, जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ड्रग पहले लीवर में जाता है, जिससे ड्रग की जो एफिकेसी है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं रहती, तो पेरेंट्रल रूट में फर्स्ट पास इफेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, बाईपास होगा, ड्रग लीवर से होकर मेटाबोलाइज नहीं होगा, लीवर से वो पास नहीं होगा, जिससे उसकी बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी, उसकी एफिकेसी भी मैक्सिमम रहेगी.
सो पेरेंटल रूट में फर्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन इन्वेजिव रूट्स, जिसमें कोई सिरिंज या फिर नीडल का यूज नहीं होता. सो इसमें फर्स्ट आता है सबलिंगुअल और बक्कल रूट. सो सबलिंगुअल का मतलब होता है जब हम टंग के नीचे ड्रग को रखते हैं तो उसको बोलते हैं सबलिंगुअल रूट. सो टंग के नीचे जो हमारी कैविटी होती है उसमें हम ड्रग को प्लेस करते हैं, क्योंकि टंग के नीचे बहुत ज़्यादा हाईली वस्कुलर एरिया होता है, रिच ब्लड सप्लाई होती है. सो ड्रग बहुत क्विकली उससे एब्जॉर्ब हो जाती है सबलिंगुअल रूट से और जनरल सर्कुलेशन में थ्रू वहाँ पर जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती है स्मॉल कैपिलरीज, उसके थ्रू हमारे जनरल सर्कुलेशन में ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग डिसॉल्व हो जाती है. सबलिंगुअल रूट से जो कॉमनली हम ड्रग देते हैं वो देते हैं GTN, दैट इज ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, या फिर इसको नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग भी बोलते हैं, जो कि एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए दी जाती है. सबलिंगुअल रूट क्विकली एक्शन शो करता है क्योंकि हाईली वस्कुलर एरिया होता है, जल्दी से ड्रग एब्जॉर्ब हो जाता है. सिमिलरली जो हमारा बक्कल रूट है, बक्कल रूट क्या है, जब हम ड्रग को अपने चीक्स और गम्स के बीच में प्लेस करते हैं, क्योंकि बक्कल म्यूकोसा भी हाईली वस्कुलर होता है इसलिए ड्रग यहाँ से भी क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है जनरल सर्कुलेशन में. एंड दोनों ही रूट से फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं क्रॉस करना पड़ता, फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है लीवर में जाना ये सब नहीं क्रॉस करना पड़ता ड्रग को सबलिंगुअल और बक्कल रूट से. नाउ इसके डिसएडवांटेजेस ये है सबलिंगुअल रूट की कि हम ज़्यादा डोज में ड्रग नहीं दे सकते, हम स्मॉल टैबलेट देनी पड़ती है. सेकंड थिंग, जो पेशेंट है उसको डिस्कम्फर्ट हो सकता है सबलिंगुअल या बक्कल रूट से, अगर क्योंकि ज़्यादा टाइम तक ड्रग को यहाँ पर रखना, मेडिसिन को सबलिंगुअल या बक्कल रूट में रखना डिस्कम्फर्ट या फिर अनकम्फर्टेबल हो सकता है. थर्ड, कुछ ड्रग्स बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, उनका बिटर टेस्ट होता है, तो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हम उस ड्रग को होल्ड नहीं कर पाते सबलिंगुअल और बक्कल रूट के थ्रू. नेक्स्ट हमारा रूट आता है पेरेंट्रल में रेक्टल रूट. सो रेक्टल हमने लोकल में भी पढ़ा था, सो रेक्टल रूट से अगर हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो वो लोकली रेक्टम में भी इफेक्ट शो करता है, प्लस रेक्टल में भी रिच ब्लड सप्लाई होती है, हाईली वस्कुलर एरिया होता है रेक्टल वॉल में. सो ये सिस्टमिक इफेक्ट भी शो करता है, अगर हम रेक्टल रूट के थ्रू ड्रग देते हैं तो हमारे जनरल सर्कुलेशन में भी डिजॉल्व हो जाता है. नाउ रेक्टल रूट से जो कॉमनली हम ड्रग देते हैं उसका नेम है इंडोमेथासिन. सो इंडोमेथासिन कॉमनली जो अर्थराइटिस के डिफरेंट टाइप है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सो उसके लिए दिया जाता है थ्रू रेक्टल रूट. रेक्टल रूट से वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है और उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पास नहीं करना पड़ता. नाउ रेक्टल रूट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जैसे कि डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं, एम्बेरेसमेंट होती है, लेकिन रेक्टल रूट के एडवांटेजेस ये हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसको क्रॉस नहीं करना पड़ता क्योंकि रेक्टल वॉल से ही डायरेक्टली जो ड्रग है वो वहीं से सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती है. नाउ सेकंड आता है हमारा थर्ड रूट जो है पेरेंट्रल रूट में, वो है क्यूटेनियस या फिर ट्रांसडर्मल. सो क्यूटेनियस या फिर ट्रांसडर्मल रूट में क्या होता है कि हम ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं वो हम अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं. सो ये पैचेस के फॉर्म में ड्रग आते हैं जो कि स्किन के ऊपर अप्लाई होते हैं, जिसको बोलते हैं क्यूटेनियस रूट या फिर ट्रांसडर्मल रूट. सो ये जो पैचेस हैं इनका एडवांटेज ये है कि एक तो इनको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्रॉस नहीं करना पड़ता क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे स्किन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिजॉल्व हो जाते हैं. सेकेंड थिंग, उन पैचेस से स्लोली स्लोली ड्रग्स हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिजॉल्व होता रहता है एंड एक कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिजॉल्व होता है. एक कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ड्रग में फ्लक्चुएशन नहीं होती उसकी कॉन्सेंट्रेशन में, एक कॉन्स्टेंट रेट पर ड्रग हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में थ्रू स्किन डिजॉल्व होता रहता है. क्यूटेनियस या फिर ट्रांसडर्मल रूट में भी हमारे ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं. इसका कॉमन एग्जांपल है ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, जो ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एंजाइना पेक्टोरिस या फिर और कई हार्ट कंडीशन को रिलीफ देने के लिए लगाए जाते हैं. सो ट्रांसडर्मल पैचेस इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्यूटेनियस और ट्रांसडर्मल रूट. नेक्स्ट आता है हमारा इनहेलेशन. सो इनहेलेशन मैंने लोकल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, इनहेलेशन से अगर हम कोई ड्रग देते हैं तो वो लोकली भी इफेक्ट शो करती है हमारे लंग्स में और इनहेलेशन के थ्रू जो ड्रग्स है वो हमारे लंग्स से हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी डिजॉल्व हो जाती है. सो इनहेलेशन का जो कॉमन एग्जांपल है वो है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड. सो नाइट्रस ऑक्साइड एज अ जनरल एनेस्थीजिया यूज होता है. सो नाइट्रस ऑक्साइड अगर हम इनहेल करते हैं तो वो लंग्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में, पूरे सिस्टम में डिजॉल्व हो जाती है एंड जनरल एनेस्थेटिक
इफेक्ट शो करती है। नेक्स्ट इज नेजल रूट। सो नेजल रूट भी सिमिलरली इसका भी लोकल इफेक्ट है। नेजल रूट का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, इसका सिस्टमिक इफेक्ट भी है। अगर नेजल रूट के थ्रू हम कोई ड्रग देते हैं तो हमारे सिस्टमिक इफेक्ट भी शो करती है, क्योंकि जो नेजल रूट है नेजल में नोज में म्यूकोजा प्रेजेंट होता है और ये म्यूकोजा हाईली वास्कुलराइज होता है, रिच इन ब्लड सप्लाई होता है, जिससे थ्रू कैपिलरीज ड्रग हमारी पूरी बॉडी में भी डिसॉल्व हो जाती है। सो नेजल रूट के थ्रू जो बेस्ट एग्जांपल है वो है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट, और दूसरा एग्जांपल है वैसोप्रेसिन का। सो वैसोप्रेसिन क्या है? एंटी डायुरेटिक है। वैसोप्रेसिन हमारे यूरिन आउटपुट को कंट्रोल करता है। सो ये ड्रग्स हम नेजल रूट के थ्रू देते हैं। नाउ इनहेलेशन एंड नेजल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बाकी जितने भी ये नॉन इन्वेसिव पेरेंटल रूट्स हैं ये सब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस नहीं करते, ये बाईपास होते हैं, इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व नहीं होता। इसलिए जो भी ड्रग्स लेते हैं हम पेरेंटल रूट के थ्रू, एक तो वो क्विकली डिसॉल्व हो जाते हैं हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, प्लस उनकी जो एफिकेसी है, बायो अवेलेबिलिटी है ड्रग की, वो एज इट इज रहती है, बहुत कम इफेक्ट पड़ता है उनकी एफिकेसी पर। नाउ इन्वेसिव मेथड्स जो पेरेंटल में आते हैं वो फर्स्ट है हमारा इंट्रामस्कुलर। सो इंट्रामस्कुलर इज मसल में इंजेक्शन दिया जाता है, मसल में ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। सेकेंड है इंट्रावेनस, इसमें वेन में या फिर वेनस रूट के थ्रू ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है, जो कि बहुत ही कॉमन पेरेंट्रल रूट है। देन है हमारा इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल में हमारी जो डर्मिस लेयर है उसमें इंजेक्ट किया जाता है ड्रग को। देन है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस जो फैट है हमारा स्किन का, वहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है ड्रग को। सो इन वेज को अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सो पेरेंट्रल रूट में जो इन्वेसिव रूट्स है, फर्स्ट आता है हमारा इंट्रामस्कुलर या फिर IM रूट। सो इंट्रामस्कुलर का मतलब है कि विद इन द मसल ड्रग को इंजेक्ट करना। सो मैंने यहाँ पर स्किन का डायग्राम ड्रॉ किया है। सो स्किन की जो अपर लेयर है वो है एपिडर्मिस, उसके नीचे है डर्मिस जो कि मैंने ब्लू से दिखाई है, एपिडर्मिस ब्लैक से। डर्मिस के नीचे आती है सबक्यूटेनियस जो कि मैंने ग्रीन से शो की है, एंड उसके नीचे हमारे आते हैं मसल जो कि मैंने रेड से शो किया है। सो मसल में रिच ब्लड सप्लाई होती है एज कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस टिश्यू। सो मसल में जब भी हम ड्रग इंजेक्ट करते हैं, सो 90 डिग्री पर इंजेक्ट करते हैं। सो ये 90 डिग्री पर इंजेक्शन मसल में लगता है जिसके थ्रू हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। सो IM रूट का बेनिफिट ये है कि फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है इसको क्रॉस नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली मसल के थ्रू हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है। जिन मसल्स पर हम कॉमनली ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं वो हमारे डेल्टॉइड एंड ग्लूटियल मसल। नाउ इसकी एडवांटेज फर्स्ट यही होगी कि ये ईजिली और फास्ट मेथड है, क्विकली मेडिकेशन डिसॉल्व हो जाती है बिकॉज ऑफ रिच ब्लड सप्लाई इन द मसल। सेकेंड एडवांटेज इसकी ये है, फर्स्ट पास इफेक्ट को क्रॉस नहीं करना पड़ता ड्रग को। बट इसकी डिसएडवांटेजेस भी है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जहाँ पर हमने इंजेक्ट किया है, जिस साइट पर हमने इंजेक्शन दिया है वहाँ पर पेन होता है। सो पेन की वजह से पर्सन को एंजाइटी भी हो सकती है इंजेक्शन लेने के लिए। अगर पर्सन को बार बार इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं IM इंजेक्शन, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन, तो उन केसेस में ज़्यादा एंजाइटी बढ़ जाती है क्योंकि ये पेन भी कोज करते हैं जिस लोकल साइट पर हमने इंजेक्शन दिया है। नाउ ये जो मसल्स जो इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू हम ड्रग्स देते हैं, बेसिकली वो काफ़ी सारे ड्रग्स हम IM रूट के थ्रू देते हैं, जैसे कि डिक्लोफिनेक इंजेक्शन पेन के लिए जो इंजेक्शन देते हैं वो भी हम IM रूट से देते हैं। टेटनस टॉक्सॉइड जो कि टेटनस को अवॉइड करने के लिए इंजेक्शन देते हैं वो भी हम IM रूट के थ्रू देते हैं। हेलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन IM रूट के थ्रू देते हैं। सो बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन है जो हम IM के थ्रू देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रावेनस रूट। सो इंट्रावेनस रूट या फिर IV रूट, सो इसमें हम वेन में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ड्रग को। सो वेन हमारी, सपोज यहाँ पर सबक्यूटेनियस टिश्यू में वेन्स प्रेजेंट है, सो वेन्स में हम डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे ड्रग को। सो वेन में बेसिकली हम 25 डिग्री पर इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन को, एंड वेन में हम डायरेक्टली वेन में एडमिनिस्टर करते हैं। सो इसकी एडवांटेजेस ये है कि अगर डायरेक्टली वेन में जा रहा है, डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग जा रहा है, तो इसकी एफिकेसी 100% रहेगी, ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी 100% रहेगी, एंड क्विकली ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा वेन में। सो ये सबसे क्विकेस्ट वे है, सबसे फास्टेस्ट वे है जिसके थ्रू इंट्रावेनस ड्रग जो है हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं फास्टेस्ट, अगर हमें इफेक्ट चाहिए, एज इन केस ऑफ एमरजेंसी हमें फास्ट इफेक्ट चाहिए होता है, तो इंट्रावेनस रूट हम फॉलो करते हैं।
हैं, प्लस इंट्रावेनस रूट के थ्रू हम ज़्यादा क्वांटिटी में भी ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सपोज अगर ट्रॉमा हुआ है सो ब्लड की नीड है, सो वो भी हम इंट्रावेनस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। सो इंट्रावेनस रूट से हम ड्रग्स या फिर मेडिकेशन को भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, हम फ्लूइड्स को भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं हम इंट्रावेनस रूट से, या फिर ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट्स भी हम इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं, प्लस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स हम इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं। आईवी रूट को ड्रिप मेथड भी कहते हैं। ड्रिप मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें क्लोज ड्रिप चैम्बर यूज करते हैं जिसके थ्रू डायरेक्टली वेन में ड्रग जाती है एंड एयर एंटर नहीं होती ड्रग में। नाउ इसकी ये एडवांटेजेस हो गई कि आईवी रूट क्विकेस्ट वे है, फास्टेस्ट वे है, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ ड्रग हम दे सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम दे सकते हैं आईवी रूट के थ्रू, जैसे कि ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट्स, फ्लूइड्स हम दे सकते हैं, न्यूट्रिशन दे सकते हैं, और मेडिसिन जैसे कि कीमोथेरेपी के भी जो ड्रग्स होते हैं, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, वो भी हम आईवी रूट के थ्रू दे सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ये है क्योंकि ये बहुत क्विक वे है, अगर एक बार ड्रग डिसॉल्व हो गया कम्प्लीटली और अगर इतना क्विक वे है तो एडवर्स इफेक्ट भी शो कर सकता है ड्रग। सो बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट भी आईवी रूट से शो हो सकता है, एंड इन केस एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, किसी ड्रग ने हाइपर सेंसिटिविटी शो कर दी, तो उसका जो इफेक्ट वापस लाना नॉर्मल कंडीशन पर वो थोड़ा टफ हो जाता है आईवी रूट में, बिकॉज ये क्विकली डिसॉल्व हो जाता है पूरी बॉडी में ये ड्रग। प्लस इसकी एडवांटेजेस ये जितने भी हैं पेरेंटल रूट नॉन इन्वेसिव, ये सब जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उससे इन ड्रग्स को नहीं गुजरना पड़ता, डायरेक्टली ये ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्राडर्मल रूट। सो इंट्राडर्मल का मतलब है डर्मिस में डायरेक्टली इंजेक्ट करना ड्रग को। सो डर्मिस में जब हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं सो हम 15 डिग्री पर करते हैं, दैट इज 15 डिग्री। सो 15 डिग्री पर हम इंजेक्ट करते हैं स्किन में, डर्मिस में। डर्मिस में जो हम इंजेक्ट करते हैं वो मेनली टेस्ट करने के लिए, डायग्नोसिस पर्पस के लिए इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन। सो ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन हम ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोज करने के लिए डर्मिस लेयर में इंजेक्ट करते हैं, और डर्मिस में भी हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं ओनली फॉर टेस्ट पर्पस, या फिर किसी एलर्जी को देखने के लिए हम स्किन में डर्मिस में इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन को या फिर ड्रग को। नेक्स्ट हमारा आता है सबक्यूटेनियस। सो सबक्यूटेनियस का मतलब है कि हम जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसमें इंजेक्ट करेंगे ड्रग को। ये हमारा 45 डिग्री पर इंजेक्ट होता है ड्रग। सो 45 डिग्री पर हम सबक्यूटेनियस टिश्यू में ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। सबक्यूटेनियस में इतनी ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसमें बेसिकली हम इंसुलिन इंजेक्शन जो कि कॉमनली एग्जांपल है सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू ही देते हैं। ये बेसिकली हम अपने एब्डोमन में, अपर थाई में या फिर अपर आर्म में, जहाँ पर सबक्यूटेनियस फैट ज़्यादा हो वहाँ पर ये इंजेक्शन को एडमिनिस्टर किया जाता है। इंसुलिन इंजेक्शन पर्सन खुद भी ले सकता है, सो इसकी ये एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज वही है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ड्रग को क्रॉस नहीं करना पड़ता। डिसएडवांटेजेस ये है कि क्योंकि इंसुलिन इंजेक्शन सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू लगता है सो बहुत ज़्यादा स्किन हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के लिए, क्योंकि एक साइड पर हम बार बार इंजेक्शन नहीं लगा सकते। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।